नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गंगा में डॉल्फिन की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार आएंगे 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री। सोनपुर मेले के लिए परिसर सजकर तैयार। हिंदी के 292 सहायक प्राध्यापक 8 नवंबर तक होंगे चयनित। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने दिया करारा जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान। देश के कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीट खाली है, जिसके लिए अब चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि इन खाली सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी, तो वहीं 8 दिसंबर को वोटों की गिनती भी की जाएगी। बिहार की इन्हीं खाली सीटों में से एक कुढ़नी सीट भी शामिल है, जहाँ आरजेडी विधायक अनिल सहनी के विधायकी को एलटीसी घोटाले के आरोप में रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से ये सीट भी खाली हो गई थी। उम्मीदवार चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन 17 नवंबर तक करा सकते हैं और उसके बाद 18 नवंबर को पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं वैसे उम्मीदवार जो नॉमिनेशन से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, उनके पास 21 नवंबर तक का समय होगा। हिंदी के 292 सहायक प्राध्यापक 8 नवंबर तक होंगे चयनित। राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापकों के 292 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष राजवर्धन आजाद की सहभागिता वाले बोर्ड समेत 5 बोर्डों के द्वारा बुद्ध मार्ग स्थित आयोग कार्यालय में साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस साक्षात्कार में रोज करीब 130 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 3 से 8 नवंबर तक चलने वाली इस चयन प्रक्रिया में कुल 770 अभ्यर्थियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अब तक हिंदी को लेकर 28 विषयों के साक्षात्कार लिए जा चुके हैं। बिहार आएंगे 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री। बक्सर में श्रीराम कर्म भूमि न्यास की ओर से 9 दिनों तक विश्व सनातन संस्कृति समागम राम राज्य एवं रामेश्वर राम कर्म क्षेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 7 नवंबर से 15 नवंबर तक की जाएगी। इस दौरान भगवान श्रीराम की 250 फीट ऊंची पराक्रमी मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित की जाएगी और साथ ही 11 लाख दीपों से परिसर को सजाया भी जाएगा। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है कि 8 नवंबर को इस कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, सिक्किम, मणिपुर, गोवा और महाराष्ट्र शामिल है। वहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व राज्यपाल भी शामिल होंगे। बिहार के सोमनाथ मंदिर में जुटेंगे कई महान संत। बिहार के सासाराम जिले में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। बता दें कि मंदिर का निर्माण सासाराम के प्रसिद्ध पायलट बाबा आश्रम में सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जिसका उद्घाटन 7 नवंबर को योग गुरु रामदेव बाबा के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान सासाराम में देश भर के संत महात्माओं का आगमन होगा, जिनमें जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलासानंद भी शामिल है और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के साथ पट खुल जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि समारोह में 111 फीट का ऊंचा भगवान शिव की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की होगी गिरफ्तारी। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के द्वारा बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले को लेकर मुश्किलें और भी बढ़ गई है। बीते दिन शुक्रवार को आदित्य कुमार के खिलाफ पटना व्यवहार न्यायालय की एक विशेष अदालत द्वारा गैर जमानती गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि ईओयू के द्वारा विशेष टीम गठित की गई है और यह टीम बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी ऑपरेशन करेगी। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे देश में भी छापेमारी की जा सकती है। बताते चले कि आदित्य कुमार 15 अक्टूबर से फरार है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। सोनपुर मेले के लिए परिसर सजकर तैयार। जल्द ही बिहार के सोनपुर में सोनपुर मेले की शुरुआत होने वाली है।
इसे लेकर पूरा परिसर सज धज कर तैयार हो गया है। वहीं सैलानियों के स्वागत के लिए भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बता दें कि इस वर्ष सोनपुर मेला की शुरुआत 6 नवंबर से की जा रही है, जो कि एक महीने तक चलती है। इस मेले का शुभारंभ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से 30 स्वीस कॉटेज तैयार किए गए हैं, जिसका रेट भी 2019 वाला ही रखा गया है, और साथ ही पहले बुकिंग कराने पर 10% की छूट भी दी जा रही है। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से प्रतिदिन हर आधे घंटे पर बसें खोली जाएंगी। बताते चले कि करीब 3 साल के बाद एक बार फिर सोनपुर मेले की शुरुआत हो गई है, जिसे लेकर लोगों के बीच उत्साह का माहौल बना हुआ है। गंगा में डॉल्फिन की संख्या में हुई बढ़ोतरी। बिहार के सुल्तानगंज से कहलगांव तक डॉल्फिन की संख्या में गजब की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की टीम के द्वारा साल 2022 के जनवरी से जून तक में डॉल्फिन की संख्या को लेकर सर्वे किया गया था, जिसके बाद यह बात सामने आई है कि अभयारण्य प्रक्षेत्र में साल 2022 के पहले गंगा में डॉल्फिन की संख्या केवल 188 थी, जो कि अब बढ़कर 208 हो गई है। सर्वे का यह पहला मौका था जब गंगा में इतनी तेजी से डॉल्फिन की बढ़ोतरी को देखा गया है। वहीं पशु चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया है कि डॉल्फिन के प्रजनन में वृद्धि होना हमारे पर्यावरण के लिए शुभ संकेत है। शिक्षा विभाग के अधिकारी विभा कुमारी पर ईओयू की रेड। बिहार के वैशाली प्रखंड के धर्मपुर गांव में उच्च शिक्षा के उपनिदेशक विभा कुमारी के 3 ठिकानों पर आर्थिक इकाई टीम के द्वारा अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर छापेमारी की जा रही है, जिनमें दानापुर में सगुना मोड़ के नजदीक बंसी कुंज कॉम्प्लेक्स ब्लॉक के फ्लैट नंबर 301 वैशाली के धर्मपुर गांव में विभा कुमारी के आवास और पटना के विकास भवन में उच्च शिक्षा के उपनिदेशक के सरकारी कार्यालय कक्ष शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इनकी आय अधिक संपत्ति लगभग 52.03% अधिक पाई गई है। इसके साथ ही इस मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। 48 लाख बच्चों का डाटा मेधा सॉफ्ट पर अपलोड नहीं। बिहार सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं से इस बार पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले 48 लाख बच्चे वंचित रह सकते हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अब तक इन बच्चों की उपस्थिति का आंकड़ा शिक्षा विभाग के मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अभी तक अपलोड नहीं किया जा सका है। योजना का लाभ सिर्फ वही बच्चे उठा सकते हैं जिसकी उपस्थिति कम से कम 75% होगी। ऐसे में अब तक स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों की उपस्थिति को सत्यापित नहीं किया गया है। दरअसल 3 नवंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यह पाया गया कि सत्र 2020-21 में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 2.26 करोड़ है, लेकिन सत्र 2022-23 में यह आंकड़ा मात्र 88 करोड़ है। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर अपने जन सुराज अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण जिले में ग्रामीणों के साथ बातचीत करते हुए हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल पहले योगपट्टी में नीतीश कुमार आए थे और उस दौरान किसी व्यक्ति ने मंच पर जूता उछाल दिया था। इसी गुस्से में नीतीश कुमार इस क्षेत्र से सड़कों का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। अब तक उस जूते फेंकने वाले को नहीं पकड़ा गया है, लेकिन इस गाँव का हर व्यक्ति इस गलती का सजा भुगत रहा है। नवलपुर बेतिया सड़क ऐसी है कि अगर कोई 5 किलोमीटर चले तो उसे दम्मा हो जाए। इस रोड में घुटने तक धूल है। अब तक गुस्से में नीतीश कुमार से 32 किलोमीटर की सड़कें नहीं बन पा रही हैं। तेजस्वी यादव के ममेरे भाई पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान। 31 अक्टूबर को पटना के अटल पथ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ममेरे भाई और पूर्व सांसद सुभाष यादव के बेटे रणधीर कुमार यादव पर कुछ लोगों के द्वारा सफेद रंग के हुंडई क्रेटा पर सवार होकर फायरिंग कर दी गई थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीते दिन पुलिस सभी अपराधियों के काफी करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पुलिस ने अपराधियों की पहचान भी कर ली है। हालांकि अब तक इस पर किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया है। बता दें कि अपराधी की पहचान झारखंड के कोडरमा निवासी अहसान खान के रूप में की गई है। चूंकि यह मामला लालू परिवार से जुड़ा है, इसलिए इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा काफी गंभीरता से काम किया जा रहा है। बिहार में सत्ता का गेट पास है वीआईपी। बीते दिन शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने वीआईपी कार्यालय में पार्टी के चौथे स्थापना दिवस पर आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए एक ऐसा दावा पेश किया है जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के बिना कोई भी गठबंधन बिहार की सत्ता तक नहीं पहुंच सकेगी और यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि वीआईपी बिहार की राजनीति को दशा और दिशा दे रही है। इस मौके पर पार्टी के बिहार अध्यक्ष बाल गोविंद
बांध झारखंड अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम बांध, राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र सनी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खनन भ्रष्टाचार मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी ने समन भेजकर पेश होने को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि इस तरह के काम चलते रहेंगे, लेकिन केवल 2024 तक, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर मजबूती से लड़ना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया था, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंच गए और वही आवास के पास एक छोटा सा स्टेज का निर्माण किया गया, जहां सीएम ने करीब 2 बजे आक्रामक आवाज में बीजेपी पर निशाना साधा और कहा था कि हमने जेल भरनी शुरू कर दी तो जेल में जगह नहीं बचेगी, यह हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने दिया करारा जवाब। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने बुधवार को खेले गए भारत और बांग्लादेश के बीच में आईसीसी के खिलाफ लगाए गए आरोप पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी टीम को आईसीसी का आयोजनों के दौरान विशेष तवज्जो नहीं मिलता, यहां तक कि भारत को भी नहीं, जबकि भारत को क्रिकेट का पावर हाउस कहा जाता है। मुझे नहीं लगता है कि आईसीसी किसी का पक्ष लेता है, वह सभी को एक जैसा मानता है, हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। दरअसल बीते बुधवार को इस मैच पर एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आईसीसी भारत को किसी भी तरह सेमीफाइनल तक पहुंचाना चाहती है, जिस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पत्रकार का समर्थन जरूर किया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल का रेट लागू किया गया है। आज बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे तो डीजल की कीमत में 32 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में भी तेल के दामों में आज कमी देखने को मिली है, जिसके बाद यहां पेट्रोल डीजल 21 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इसके अलावा अररिया, अरवल, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुंगेर, पूर्णिया जिलों में तेल के दाम में कमी दर्ज की गई है। वहीं औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मधुबनी, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, सुपौल जिलों में तेल के दाम में इजाफा देखने को मिला है, जहां सबसे ज्यादा महंगाई गया में देखने को मिली है। यहां पेट्रोल की कीमत में 67 पैसे तो डीजल में 62 पैसे प्रति लीटर से महंगा हो गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, नुन्नु कुमार, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, सरिता पासवान, भान प्रकाश मौर्य, सिमरन राज, तनुप्रिया भारती, दलदार खान, के सिन्हा, कविता कुमारी, राजकुमार प्रसाद, संजीत कुमार सुमन, मुतुर रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार के द्वारा जो बच्चों के लिए योजनाएं चलाई जाती है उससे आप कितना संतुष्ट है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।